महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की यहाँ पर बहन नीरजा जैन पीतमपुरा दिल्ली, इन्होंने एक प्रश्न किया है। महाराज श्री उपशम क्षयोपशम क्या है, इससे हमें क्या प्राप्ति होती है बताइए। तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के वेदों में उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन और क्षायक, एक तीन प्रकार की जो है दर्शन होते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वा सूत्र में कहा है उपशम सम्यक दर्शन क्या है, रुद्रप छेद काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति के प्रकट न होने को, प्रकट न होने को उपशम कहते हैं। जैसे जल के मेल में जल गंदा है और उसमें हम निर्मली डाल देते हैं, फटकाई डाल देते हैं, तो उससे वह क्या होता है, वह उसका पानी बैठ जाता है और निर्मल पानी जो है वह साफ हो जाता है। तो मेल का जो दबा देना वह जो उपशम होता है, इस प्रकार से जानना चाहिए। दूसरा जो है क्षय होता है, जहाँ कर्म के समूल नष्ट विनाश हो जाने को क्षय कहते हैं। जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे दर्शन को घात करते हैं, सम्यक दर्शन का घात करते हैं, ऐसे वह कर्म पांच प्रगतियाँ और कहीं पर सात प्रगतियों के बारे में भी आता है। तो ऐसे सात प्रगतियों के क्षय होने से जो है जो सम्यक होता है वह क्षायक सम्यक होता है, तो उसे क्षय कहते हैं। तो जहाँ पर कर्म का समूल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना वो क्षय है, ऐसा हमें जानना चाहिए। और ऐसे सम्यक दर्शन के होने से क्या होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ओम नमः।